नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी भारत। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। कुवारी थाना अंतर्गत देवली में दंपति की नृशंस हत्या के मामले में कुवारी पुलिस द्वारा कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं पूछताछ के लिए लाए गए मोहन सरदार के छुड़ाने हेतु सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे कुवारी थाना। ग्रामीणों का नेतृत्व कर रहे भाजपा के वहीं एसटी मोर्चा के जिला मंत्री मनोज सरदार ने कहा है कि पुलिस निष्पक्ष जांच करे, हम सब जांच में सहयोग करेंगे, मगर निर्दोष व्यक्ति जेल नहीं जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि ग्रामीणों का कहना है कि मोहन सरदार निर्दोष है, इसलिए उसे छोड़ जाना चाहिए। वहीं इस मामले पर युवा मोर्चा के जिला मंत्री गणेश सरदार ने कहा है कि रात के समय में पुलिस द्वारा गांव में जाकर तंग किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब सहयोग करने के लिए तैयार हैं, ग्रामीण हमेशा सहयोग के लिए आगे हैं। हम लोग चाहते हैं कि निर्दोष जेल नहीं जाने चाहिए, साथ ही जो लोग दोषी हैं उसके लिए ग्रामीण भी सहयोग करेंगे, दोषियों को जेल भेजा जाना चाहिए। वहीं कुवारी थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान ने कहा है कि जो लोग दोषी हैं इस हत्याकांड में शामिल है उसे बख्शा नहीं जाएगा, मगर निर्दोष कभी जेल नहीं जाएगा। जमशेदपुर से अभिजीत सेन की रिपोर्ट। दिन जो देवली गांव में जो हत्या हुआ था और इस हत्या के बाद पुलिस द्वारा कार्रवाई करके वहां के दो व्यक्ति को, जिसमें से हमारे जो मोहन सरदार हैं उसको पुलिस हिरासत में लेकर आया है। और गांव वालों का कहना है कि मोहन सरदार बिल्कुल ही निर्दोष आदमी है, वो उस नेचर का आदमी नहीं है। और हम लोग ये कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से निर्दोष है। ठीक है, जो घटना घटा है उस पर पुलिस जाँच करे गहराई से, और जो एक्चुअली दोषी है उसको खोज निकाले और उस पर उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करें। और जो पुलिस इस तरह से जाके वहाँ जो रात बिरात जा रही है उस पर भी सभी ग्रामीण परेशान हैं, और गांव वाले पूरा इस घटना में जो हत्याकांड हुआ है उस पर जाँच में सहयोग करने के लिए पूरा गांव वाला ये सहयोग करने के लिए तैयार है। और वो भी चाहते हैं कि एक्चुअली में जो घटना घटाया है, जो हत्यारा है, उसको पकड़ा जाए। बताया कि जो मोहन सरदार को और भी मोहन सरदार और एक आदमी को यहाँ पर पुलिस ने कुवारी थाना लेकर के आई है, और इसी सिलसिले में गांव वालों का कहना है कि मोहन सरदार जो है वो सीधा साधा व्यक्ति है और निर्दोष है, और पुलिस के द्वारा उसको उठा करके ले आया गया है और उसको छोड़ दिया जाए, वो निर्दोष है। इसी के लिए हम लोग गाँव वाला के साथ में आए हैं और वो सीधा साधा है, तो इसलिए हम लोगों का भी कहना है कि उसको जाँच पड़ताल किया जाए और जो सही है और उसी को पकड़े और जो निर्दोष आदमी को उसको छोड़ दिया जाए। मामला है हडवा देवली का। क्या हुआ बोले, किस लिए आए? तो मोहन सरदार को जेल में लाया गया इसी विषय में, लेकिन गांव वालों ने प्रधान गांव वालों ने प्रधान यहाँ आए कि मोहन निर्दोष है, सादा सीधा लड़का है, और हम लोग चाहते हैं कि दोषी जो मुजरिम है उसको पकड़ा जाए। यही हम लोग का कहना है। मान सरकार निर्दोष है।